नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। नेपाल से किडनैप हुए दो बच्चे अपहरणकर्ता के चंगुल से निकलकर जकनपुर थाने पहुंचे। नेपाल के वीरगंज से दो बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने किडनैप कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने जिन बच्चों को किडनैप किया था उसमें वीरगंज के एक कारोबारी का बेटा शामिल था। नेपाल से किडनैपिंग के बाद इन दोनों बच्चे को अपराधी पटना के मीठापुर बस स्टैंड लेकर आए। इन दोनों बच्चे की किस्मत अच्छी निकली कि रविवार को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर यह बच्चे जकनपुर थाने पहुंच गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने दिया बेटी को जन्म। विराट ने ट्विटर पर लिखा इमोशनल पोस्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपने माता पिता दरअसल आज दोपहर अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेटर कप्तान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुशी को साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। उद्घाटन से पहले ही आर ब्लॉक दिखा सिल्क लाइन पर एक्सीडेंट, तीन की हालत नाजुक। उद्घाटन होने से पहले ही आर ब्लॉक दिखा सिल्क लेन पर हादसे का सिलसिला जारी हो गया। रविवार की देर शाम एक स्कूटी और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों घायल की पहचान शंकर विकास और भोला के रूप में की गई है। पटना में युवक से मोबाइल छीन कर भाग रहा था अपराधी, पुलिस ने खदेड़ कर दबोचा। पटना सिटी में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में आलमगंज थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि कुम्हार पुल के पास अभिजीत नामक व्यक्ति से बाइक सवार युवक मोबाइल छीन कर भागने लगा था। पटना में बिना मास्क लगाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना पड़ सकता है महंगा। 6 जगहों पर चल रही गोपनीय जांच। देश भर में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने के लिए प्रशासन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करते हुए गोपनीय जांच करने का निर्देश दिया। आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल, देवी दुर्गा से लेकर भगवान शिव तक पर की अभद्र टिप्पणी। जहानाबाद जिले के मुखदपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो विधायक सतीश कुमार दास हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव लिंग पूजा और माँ दुर्गा को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी दी है। शहर की यातायात को बेहतर बनाने के लिए हर सप्ताह चलाया जाएगा अभियान, हटाए जाएंगे अवैध दुकान। शहर में हर दिन लगने वाली जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात दिलाने के लिए सिवान जिला प्रशासन ने आज अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पहले दिन शहर के सभी इलाके में शहर किनारे लगने वाले अवैध दुकान को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। बेगूसराय में गोरेलाल गैंग के सरगना सहित दो अपराधी गिरफ्तार, कार्बाइन और जिंदा कारतूस बरामद। बेगूसराय में अपराधी के खिलाफ पुलिस पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। लगातार बेगूसराय पुलिस के द्वारा आपराधिक घटनाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी गोरेलाल गैंग के सरगना सहित दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक कार्बाइन, 4 पिस्टल एवं 1 दर्जन से अधिक गोली बरामद कर चुकी है। जदयू नेता के दावे की सच्चाई, एक तरफ 20 लाख नौकरी का कर रहे हैं दावा तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सरकार अब तक गंभीर नहीं दिख रही है। अभ्यर्थी अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनकर
तमाशाबीन बनी हुई है। दो वर्षों से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के पहले कई पैच थे, लेकिन सभी बाधाएं दूर होने के बाद भी सरकार ने काउंसलिंग की तिथि प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार के सामने कोर्ट के आदेश भी पौने साबित हो रहे हैं। बिहार में थमी नहीं है कोरोना की रफ्तार, फिर मिले 213 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 4290। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक तरफ पूरे देश में जहां 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीन देने की घोषणा की गई है, वहीं इससे पहले बिहार में कोरोना संक्रमण के रफ्तार में कमी आई है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437।